बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज़म, आप देख रहे हैं आज़म का दस्तरखान यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बीफ और मटन तंदूरी। ये कैसे बनता है इसका हम आपको तरीका बताएंगे। ये दो टुकड़े अदरक के हैं हमारे पास, बीस से पंद्रह जवे लहसुन के, और इसके अंदर डालेंगे हम 15 अदद सब्ज मिर्च, ये हमने पहले मसाला चरगे को लगाया था लेकिन अब हम इसे लगा रहे हैं मटन और बीफ को। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है ये। चाय वाले 4 चम्मच नमक के, एक चम्मच चाय वाला आपने भर के लगाना है, काली मिर्च पिसा हुआ पाउडर, काली मिर्च डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके के साथ कूट लेंगे। ये अदरक और सब्ज़ मिर्च और लहसुन को हमने अच्छे तरीके के साथ कूट लिया है। ये आपका बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ कुटा होना चाहिए। इसके अंदर 3 चम्मच खाने वाले ऑयल का डाल देंगे। चार अदद इसके अंदर हम लेमन का रस डाल देंगे। ये जी हमारा लेमन डालने के बाद मसाला तैयार हो चुका है, अब इसे हम एक साइड पे रख देंगे। अब जी बारी है मटन और बीफ की। ये 2.5 किलो की रान है हमारे पास मटन की, ये 2 किलो हमारे पास बीफ का टुकड़ा है एक। अब इसे हम पहले कट्स लगाएंगे। अब जी इसे हम कट्स लगा लेंगे। ये हमने कट्स लगा ली हैं इसे।
मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है, अब जी हम लगाएंगे इसे। ये जी हमारा मटन और बीफ को अच्छे तरीके के साथ मसाला लग चुका है, अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे इसे ऐसे ही। अब जी चावलों की बारी है। 800 ग्राम हमारे पास चावल हैं, इसके अंदर हम पानी डालेंगे 1 किलो 1 पाव। ये 1 किलो हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। ये 2 अदद हमारे पास टमाटर हैं, 1 छोटा प्याज, शिमला मिर्च 1 अदद, सब्ज मिर्च, लहसुन के जवे और थोड़ी सी गाजर कटी हुई बारीक बारीक। खाने वाले 3 चम्मच, चाय वाले 3 चम्मच नमक के डाल देंगे। एक चम्मच चाय वाला काली मिर्च, खाने वाला 1.5 चम्मच बिरयानी मसाला, आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल का, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, अब जी हमारे चावल तैयार हैं तंदूर के अंदर रखने के लिए। ये जी हमारा पानी थोड़ा सा कम था, 1 पाव। ये हमारा पानी भूरा हो चुका है चावलों के अंदर, अब हमारी आग जल जाए तंदूर के अंदर फिर रखेंगे हम इसके अंदर। अब जी हम सीखों पे लगाएंगे इसे मटन और बीफ को। आग हमारी जल चुकी है तंदूर के अंदर, अब जी हम तंदूर के अंदर चावल रखेंगे इसमें। अब जी बीफ,
ये हम जी अब 1.5 घंटे के लिए बंद करेंगे इसे, 1.5 घंटे के बाद हम फिर इसे खोलेंगे। ये जी हमारा 1.5 घंटा पूरा हो चुका है, ढक्कन उतार लेंगे अब। ये जी बीफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी मटन। अब जी चावल हम बाहर निकालेंगे। ये जी दोस्त आए हुए हैं हमारे दाजल से, बहुत प्यारे दोस्त हैं, मोहम्मद भाई, अपना ईसा भाई। जी मोहम्मद भाई कैसे बने हैं चावल और सीजी? बहुत अच्छा टेस्ट, खा के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जबरदस्त। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज़म दत्तर खान को, इनको मेहरबानी भाई, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर दोस्त तक ये पहुँच जाए। शुक्रिया, थैंक यू।